गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गमहरा जंगल से बीते 19 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के मदनपुर भलुआई निवासी महिला मनीषा देवी की हत्या के मामले का मुफस्सिल थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों कर्मा टुड्डू और बुद्धू लाल मरांडी नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने दो मोबाइल फोन भी बरामद किया है। उक्त आशय की जानकारी SDPO अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। दिनांक 19/10/2023 को गमरा जंगल में मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी विधि सम्मत धाराओं में। उसके बाद पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी मुफस्सिल कमलेश पासवान और उनके अधीनस्थों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी, जिसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा था। उपकांड अनुसंधान के दौरान पता चला कि उस महिला का नाम करिश्मा देवी है, जो मदनपुर की रहने वाली है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसमें संलिप्त दो व्यक्ति कर्मा टुड्डू और भूटू हांसदा हैं, जो दुर्गा पहाड़ी और पचमुखी का रहने वाला है। क्योंकि उसमें वो महिला विधवा थी, तो कुछ था कि उनको उन पर बुरी नज़र उन लोग रखता था और उसी में गलत नीयत से उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसकी हत्या कर दिया गया था। हत्या का कारण अवैध संबंध था, जबरदस्ती करना चाह रहे थे और ये मना करती थी, तो उसी में इनकी हत्या कर दी। कितने लोग मिलकर हत्या की? दो व्यक्ति मिलकर हत्या की।